आज हम आए टाटा के शोरूम अपनी गाड़ी का जनरल चेकअप कराने, जिसकी कॉस्ट है 635 रुपीज़ प्लस टैक्सेस। तो आपको ये जो पूरी अमाउंट है शायद 830 रुपये समथिंग पे आउट करने हैं, जिसमें आपकी पूरी गाड़ी का स्कैनिंग होता है, सब कुछ होता है। तो आइए दिखाते हैं आपको कि क्या क्या काम आज हम कराने वाले हैं और एट द एंड ऑफ द डे हमने कितना एग्जैक्टली पे किया है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ब्लॉग। दोस्तों चलिए अंदर चलते हैं और कराते हैं आपकी बात यहीं के एक एम्प्लॉय से। वो आपको बताएंगे कि 635 के जनरल चेकअप में आपको क्या क्या मिलता है। जनरल चेकअप में सर एक क्या बोलते हैं अपना, एयर फिल्टर वगैरह साफ़ होता है, एयर फिल्टर साफ़ होता है, और अपने ऑयल लीकेज वगैरह चेक करते हैं नीचे से हम उठा के, और क्या एयर फिल्टर हो गया, पावर स्टेयरिंग ऑयल कम हो, कोई ब्रेक ऑयल कम हो, वो सब कुछ वो कहते हैं। बस इंजन ऑयल चेक में इन चीज़, इंजन ऑयल है, पावर स्टेयरिंग वैसे इतनी जल्दी इतना कम नहीं होता ना, ब्रेक ऑयल हो गया। अच्छा सर, मैं इसमें एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जैसे जनरल चेकअप आप लोग कर रहे हैं, हाँ जी, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कस्टमर को बताते हैं कि ये चीज़ है, आप चेंज करा लीजिए? हाँ जी, हाँ जी, वो बता देते हैं। तो जैसे कि अगर मेन सर्विस में किसी को अगर कोई दिक्कत है तो वो जनरल चेकअप करा ले तो उसे पता लग जाएगा कि उसकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो जनरल चेकअप बेसिकली गाड़ी का एक पूरा चेकअप हो गया टॉप टू बॉटम, जिसमें अगर कोई दिक्कत है तो वो आप लोग अपडेट कर देते हैं। ओके सर। पूरे सस्पेंशन वगैरह अगर होने वाली, कुछ चीज़ ढलने वाली है उसमें, किसी चीज़ की रिपेयर है तो वो हम बता देंगे आपको, वो कस्टमर की मर्जी है कि करे या ना करे। तो जनरल चेकअप में स्कैनिंग भी होती है गाड़ी की? हाँ जी, स्कैनिंग भी हो जाती है। तो उसमें अगर कोई सेंसर में दिक्कत है तो वो भी पता लग जाएगा? हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा सर कोई और, जैसे जनरल चेकअप एक चीज़ हो गई, उसके अलावा अगर कोई और प्रोसेस है, जैसे ये तो 600 कुछ रुपए का प्रोसेस है। बस सर यही प्रोसेस है जनरल चेकअप, तो वैसे मोस्टली फर्स्ट और सेकंड सर्विस में जनरल चेकअप होता है, उसके बाद तो मतलब सर्विस के बीच में हम कराते हैं जनरल चेकअप, जैसे सर्विस होने वाले उसके बीच में एक बार करा लेते हैं। क्योंकि जैसे बड़ी गाड़ियाँ हो गई 15,000 के बाद सर्विस होती है। हाँ जी, उसके बीच में हम 7,500 रुपये चेकअप के लिए बुलाते हैं एक बार, की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। अच्छा, टाटा खुद भी फ़ोन करती है कि आप आके करा सकते हैं? हाँ जी सर। जैसे इसके अंदर मान लीजिए डोर्स में आवाज़ आने लग जाती है तो वो जनरल चेकअप में आप लोग सही कर देते हैं? कर देंगे। अच्छा, वो सारा कुछ उसी में इंक्लूड है? तो मतलब जो लोग कहते हैं कि टाटा की सर्विस बहुत महंगी है वो गलत है, मतलब आप 635 रुपए में सब कुछ हो ही रहा है प्लस टैक्सेस में, है ना? जी जी सर, वो सब कुछ होएगा, आपको छोटी मोटी दिक्कत जो होएगी हम सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज अगर पार्ट वुट वगैरह चेंज होना वो तो फिर सर, अगर वारंटी में गड्डी तो वारंटी में होगा, अदरवाइज फिर पेमेंट पे होगा। थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए। तो अभी हमने आपको दिया गाड़ी का छोटा सा बी रोल और अभी हम दिखाते हैं आपको कि क्या क्या काम अभी हमारी गाड़ी में चल रहे हैं। कोई ऑयल वो है जो डाल रहे हैं, उसके अलावा जो मास्टर जी है वो वहाँ पे हमारा गेट खोल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड का, जिसमें से आवाज़ आ रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि गेट खोला कैसे जाता है, ये भी एक पेचीदा काम है। तो ये अभी हमारा गेट खोल रहे हैं, इन्होंने स्पीकर के जो नट्स हैं वो खोले हैं, उसके बाद अंदर दो स्क्रू होते हैं जो अगर ढीले हो जाते हैं तो उस वजह से आपके डोर्स में शीशे की हिलने की आवाज़ आने लग जाती है। तो ये अभी उसी को कसेंगे। इन मीनवाइल मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा एयर फिल्टर साफ़ होता है, तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। गाड़ी बहुत दिन से खड़ी हुई थी तो देखिए चूहे ने क्या कर दिया, एयर फिल्टर जो होता है उसके अंदर उसने इतनी सारी पॉलीथीन्स इकट्ठी कर दी, उसकी वजह से जो हमारा एयर फिल्टर है वो गंदा तो हुआ ही बट वो थोड़ा सा डैमेज भी हो गया है। तो अब हमें एयर फिल्टर चेंज कराना पड़ेगा। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप चेंज कराना चाहते हैं या नहीं। ये देखिए इसकी हालत, तो मैं इसको रिप्लेस करा रहा हूँ नए के साथ, और जो भी चीज़ आप रिप्लेस कराएंगे उसके लिए आपको पैसे पे आउट करने हैं। अगर कोई चीज़ ठीक हो जाती है, साफ़ सफाई हो जाती है, तो उसके लिए आपको
कोई भी अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों वर्कशॉप में अभी मेरी नज़र गई इस न्यूली लॉन्च हैरियर पे, जो कि जस्ट मेरी गाड़ी के पीछे खड़ी हुई है। और ऐसे ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि आप ये देखिए कि इन्होंने अभी जो नई गाड़ी लॉन्च करी है उसका आप कंपैरिजन कीजिए बाहर बाहर से। तो जो टाटा सफारी है उसकी हाइट देखिए, हैरियर की हाइट देखिए, इनकी चौड़ाई देखिए, व्हील बेस देखिए, सब में टाटा सफारी कहीं ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अंदर कॉस्मेटिक के मामले में और टेक्नोलॉजी के मामले में हैरियर थोड़ी आगे हो सकती है क्योंकि वो अभी न्यूली लॉन्च्ड हुई है, बट फिर भी आप एक चीज़ नोट कीजिए कि जो एसयूवी लुक होती है वो अगर आप देखेंगे तो वो टाटा सफारी की ही है, हैरियर कहीं से उसको कम्पीट नहीं करती है। बट ये कंपनी का नया प्रोडक्ट है तो कंपनी इसको प्रमोट कर रही है। बट एनी हाउ, ये एक छोटा सा कंपैरिजन था जो मैंने आप लोगों को दिखाया है साइड साइड प्रोफाइल की, किस तरीके से कितना कितना डिफरेंस है। देखिए आप, हेडरूम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली सिटिंग पोजीशन में भी आपको डिफरेंस मिलेगा गाड़ी के अंदर। ये खोलने के बाद ये हमने कराई हुई है जिससे कि नॉइज ना जाए अंदर। आप लोग देख सकते हैं सारी, अब ये इसको उतार रहे हैं। भैया इसको चिपका ऐसे ही देना, ये नॉइज की वजह से लगाई हुई है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड के डोर से शीशे की आवाज़ आ रही थी हिलने की, वो अब इन्होंने कस दिए, सारे नट कस दिए गए। अब जो हमने ये सिल्वर लगाई हुई है नॉइज के लिए, वो वापस से लगा दी जाएगी, सारी चीज़ें चिपका दी गई हैं। और अब हमारी गाड़ी का सारा काम हो गया है, अब गाड़ी जाएगी वॉशिंग के लिए और उसके बाद मिलेगी हमें। तो आप देखिए ये बी रोल गाड़ी वॉश होते हुए। दोस्तों सारा काम ख़त्म हो गया है, हमें लगे हैं 4 घंटे। हमने जो अमाउंट पे किए दैट इज़ 835 रुपीज़। होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर बताइए कि आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।